देख सकते हैं कि ये आप सीसीटीवी वेब कैमरे की निगरानी में है। ये बूथ संख्या 278 था, जब हमको लगा है कि विधानसभा चुनाव था तब मीटर लगा रहा होगा, और अभी तक ये यहाँ से हट नहीं पाया है। और लगभग समय सुबह के 8:30 बजने वाले हैं, अभी तक कोई टीचर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। सिर्फ एक आई हुई है जो शिक्षा मित्र है, वो पहुंची हुई है और क्लास अपना लगा ली है। और इस क्लास में आते हैं, देखते हैं, अभी तक तो कोई यहाँ पे आया नहीं है। बेटा ये क्लास कौन सा है? तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों, तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्लास है। आप पढ़ा रही हो, क्या नाम है आपका? खुशबू जी। ये मतलब आप पढ़ा रही है इन लोगों को? हाँ, क्या पढ़ा रही है उनका? चमक रहा है देश तुम्हारा। तो आपको किसने बताया कि आप पढ़ाइए बेटा? खुशबू, आपको किसने बोला कि आप पढ़ाइए? मैम जी, कौन सी मैम आपको बताइए कि पढ़ाइए? नंबर अभी देख लेते हैं, वो आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो आज हम लोग उनसे मिलके तभी जाएंगे। खुशबू बेटा, कौन सी मैम आपको बोली है पढ़ाने के लिए? संजू मैम। अच्छा, तो देखें आप क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो, ये तो अभी पहला चैप्टर है आपका। एग्जाम हो गया आप लोगों का? किस क्लास का एग्जाम दी थी? तीसरे का। अब की बार आप चौथे में है। इसमें पांचवे का लड़का कौन है? आप है, आप भी है। दो लड़के पांचवे के हैं, आप पांचवे में हो। तीन लड़के पांचवे के हैं, आप किस क्लास में? चौथे में। तो आप इनको ये चौथे का किताब है या पांचवे का? चौथे का। तो पांचवे वाले चौथे में कैसे पढ़ रहे हैं? पकड़ो बेटा, दिव्यांश बताओ बेटा, आप पांचवे में हो और क्या बताएंगे नाम? खुशबू। खुशबू चौथी क्लास में, तो वो चौथी क्लास का आपको पढ़ा रही है, तो आप पांचवे में कैसे पढ़ रहे हैं? मतलब चौथे का पांचवे को पढ़ाएंगी और पांचवे का चौथे में तभी पढ़ोगे वही किताब? चलिए, आपका क्या नाम बेटा? अंश। आप क्या पढ़ रहे हो? जी बेटा, आई गिनती आओ आओ भैया आई। चलिए, जो इसमें सब तीसरा तीसरे का है। आओ 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 आओ, घर में पधारो। आओ आओ, कैसे हमें मुझे तेरे घर में पधारो। दिखाइए, उनकी एंट्री हो रही है। टीचर साहिब अपनी आ गई है। समय दिन के करीब 8:30 बज गए हैं और हमारी टीचर साहिब आ रही है। आए, आइए। टीचर है आप यहाँ की? जी जी। हाँ। नाम क्या है आपका? रूबी। रूबी जी। हाँ। अच्छा, चलिए आइए, देखते हैं, बात करते हैं। नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कितना बज रहा है? 8:30 बज रहा है। 8:30 बज रहा है। 8:25। आपको पर डे इसी टाइम पे आती है क्या? नहीं सर, दिक्कत थी, गाड़ी थोड़ी खराब है। आपकी गाड़ी खराब हो गई? जैसे हमको सूचना मिली है कि आप पर डे 9 बजे तक आती है, इसलिए हम यहाँ पे रियलिटी चेक करने आए भी।
और देखे तो आप वाकई में 8:30 आ रही है और हम यहाँ पे आ गए थे आपके 7:30 के करीब आ गए थे। सर दिक्कत हो गई है, रोज कोई ऐसे नहीं करेगा, दिक्कत हो गई है। आपको यहाँ किस पोस्ट पे है? सर इंचार्ज। यहाँ पे आप प्रधान अध्यापक है? यहाँ इंचार्ज है, मतलब हेड ऑफ डिपार्ट आप ही है। तो और यहाँ कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी 3 है या टीचर 3 है? टीचर 3 टीचर है, 2 रसोईया 3 टीचर और आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी भी आप ही के एंड में क्या? नहीं, आंगनबाड़ी अलग है। तो थोड़ा हमको बताएंगे कि यहाँ पे नल का सारा टूटा हुआ पानी नहीं आ रहा है, किसको आप बताएंगे? प्रधान जी को। प्रधान जी को इसकी बार बनवाए थे उन्हीं से फोन किए जी कि खराब हुआ है। कितने दिन पहले आपने बताया? सर हम उनको बताएंगे शुक्रवार, इसी शुक्रवार। अच्छा अभी तक वो बना रहे? वो बोले टूटा कितने दिनों से? सर शुक्रवार को ही जब वो टूटा, बच्चे वहाँ पानी भरने गए, बाहर जाने लगे तो हम जाकर चेक किए, नहीं सही चल रहा था तो उनको तुरंत अच्छा। मैम हम अभी देख के आए हैं, वहाँ जो टॉयलेट है इतना गंदा पड़ा हुआ है कि वहाँ बच्चे वाकई में नहीं जा सकते हैं। हम सब रखते हैं, सफाई कर्मी से बोला जाता है, बल्कि हमारी रसोईया लोग भी उसको साफ करती हैं, पाइप ला के रखा गया है, उससे आप डेली पानी डालते हैं, उसको डालते हैं। डेली अगर सफाई हो रही है फिर इस तरह से तो नहीं होगा पक्का। बच्चे यूज करते हैं तो हो जाता है। नहीं मैम वो आप बच्चे सफाई कर्मी से देखिए, हम कई बार बोले हैं जी, लेकिन और रसोईया लोगों से भी हम साफ करवाते हैं जी, फिर भी साफ है नहीं सर। हो सकता हम तो अभी वहाँ इतनी टोटियाँ लगी हुई है ना पानी की, जो स्वच्छ पेयजल उसमें भी कोई टोटी सही नहीं है सर, बच्चे तोड़ दे रहे हैं, उसके लिए हम बुलाए हैं उस नंबर को। मैम मतलब हर चीज आप और बात देखिए, आगे 2 दिन में तो नहीं हुआ ना सारा चीज सर, तो तुरंत बुलाने प्लम्बर नहीं आ पाते हैं। मैम हम कह रहे हैं कि टॉयलेट 2 दिन में खराब नहीं हुआ होगा, सारी टोटियाँ 2 दिन में नहीं टूटी होंगी। 2 दिन में नहीं टूटी है, लेकिन नल उसी दिन 2-1 दिन पहले ही खराब हो गया। नल के लिए हम कई बार प्रधान जी से कहे, कई बच्चे शुक्रवार से हम कह रहे हैं वो कहे हैं बनवा देंगे जी। और यहाँ प्लम्बर के लिए हम बात किए हैं जी, बाकी इधर की टोटियाँ चल रही है, बस 2 टोटी खराब हो गई। कब तक बन जाएगा ये? अभी इसको प्लम्बर से बोले हैं वो आ जाए तो आज ही बन जाएगा, नहीं तो कल तक बन जाएगा। कल तक फिर हम आएंगे, आइए बिल्कुल। एक बात हमको बताइए यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल? सर अभी एनरोलमेंट चल रहा है जिसमें से 74 बच्चे आते। कितने हैं पढ़ने? सर इस समय थोड़ी कम है। कितने हैं? क्योंकि शादी वादी चल रहा है और खेत कटाई चल रहा है, हाँ तो इसलिए कम आ रहा है। 45 बच्चे यहाँ, बच्चे खेत काटने जा रहे हैं क्या? नहीं जाते हैं, बाल बिनने, महुआ बिनने, दाजे में खुद आप पूछ लीजिए जी जी, बच्चे नहीं आ रहे जी, खुद पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं, हम खुद मीटिंग हुआ है, पेरेंट्स से बोला गया है, गांव में सर्वे किया जा रहा है। देखिए इतनी वैसे ही इतनी व्यवस्था है हमारे यहाँ की, डीएम साहब अभी महिला ही है, आप लोग नारी शक्ति अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे कौन देगा? गाँव में पूछ लीजिए सर, शिक्षा अभियान के लिए हम लोग गाँव में हुआ था, हाँ स्कूल चलो अभियान, मतलब मान रहे किया जा रहा है, मान लें कि उसका कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव पड़ रहा है। ये क्या प्रभाव, 15 लड़के आए हुए हैं, 16 लड़के आपके यहाँ पे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में, मतलब 3 लड़के भी नहीं आए, एक अगर देखा जाए। मैडम आप पढ़ाइए, आप इसको छोड़िए, चलिए आइए। कुछ हमारे एक टीचर साहब है वो कुछ बोलना चाह रहे थे। मैडम पढ़ाइए, नाम बताएंगे? विनय कुमार पांडे। पांडे जी विनय कुमार जी, कितने बजे आए आप? हम 8:15 पे आए, 8:15 पे, 8:25 पे, सुनिए पांडे जी, 8:25 पे आपकी एंट्री हुई है स्कूल पे, हम सुनिए क्लास में जा रहे हैं। हाँ तो क्लास में चलिए, मैम हमने आपसे कुछ बात ही करने के लिए आई है। हाँ सर ये कुछ मीडिया के लोग हैं और जी पढ़ाने में हमारे अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना काफी किताब निकाल लिया। चलिए तो पांडे जी बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग, आप वीडियो बनाइए, हाँ बिल्कुल बनाइए थोड़ा सा आप लोग, चलिए पांडे जी बताइए कि हमारे पढ़ाने लिखाने में कितना अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, आप वीडियो बनाइए बनाइए, खड़े हो जाइए आप लोग। देखिए हमारे पांडे जी हैं वो हमको बता रहे हैं कि हमें इनके पढ़ाई लिखाई में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। एक पांडे जी हैं जो आए हुए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए,
8:30 इनकी इंट्री होती है 8:25 पे। इनसे अगर कुछ पूछा जा रहा है, हमारा वीडियो ये बना रहे कि ये हम ही अवरोध कर रहे हैं। पांडे जी ठीक है, ये कैमरा वैमरा लिया है भैया पढ़ाने में बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें ना पढ़ाए? नहीं आप पढ़ाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। पांडे जी बात कर लीजिए। कौन है सर? डेट कौन लिखा है सर? डेट कौन लिखा है? हेलो डेट कौन लिखा है? हेलो 36 है जी, बताएं आप कौन? 25 है बच्चों की तरफ से। 25 डाल के रहे थे जी बच्चों। इधर कैमरा कीजिए, आप कैमरा इधर कीजिए। बच्चे बताओ मैं पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ? इधर किधर कैमरा कीजिए, इधर वीडियो बनाइए। आप सुनिए सुनिए भैया रखिए फोन, में बच्चों से पूछता हूँ, हमारे बच्चे गवाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप वीडियो बनाइए। मैडम पांडे जी का भी वीडियो बनाइए और सबका वीडियो बनाइए। बनाइए वीडियो बनाइए, थोड़ा सा पांडे जी को भी दिखाइए, ये चैनल में जाएगा। बिल्कुल आपको ये भी दे देंगे, आप ये भी। बच्चों मैं रोज स्कूल आता हूँ कि नहीं, रोज पढ़ाता हूँ कि नहीं? पांडे जी को थोड़ा सा दिखाइए, पूरा वीडियो बनाइए। बना रहे वीडियो ना? बनाइए बनाइए। मैं रोज स्कूल आता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, पढ़ाई अच्छी होती है, खाना मिलता है, खलाया है मिलता है, दूध मिलता है। बनाइए वीडियो आप। चलिए ये जितने मीडिया के लोग हैं, ये सारे लोग जो है लगभग लोग इसमें खाली पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, कॉपी किताब निकालिए और आप क्लास के बाहर आप जो है वहाँ वीडियो बनाइए। आप क्लास के बाहर वीडियो बनाइए, आप हमसे बात करें। मैं कह रहा हूँ आप क्लास के बाहर वीडियो बनाइए। देखिए आप हमसे लड़ाई करेंगे? नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। देखिए आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने दीजिए बस। देखिए आप 8:25 पे आए, हम आपसे कुछ बात मैं आपसे कतई बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा क्लास 1:30 का स्कूल है जो है यहाँ। स्कूल आप कितने बजे खुलवाते हैं? 1:30 के बाद मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई नुकसान हो रहा है। पांडे जी बच्चों किताब निकालो। देखिए आपको सब यहाँ साढ़े आप क्लास के बाहर जाइए, मैं कह रहा हूँ आप क्लास के बाहर जाइए प्लीज। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाने दीजिए। हम बच्चों से ही आप बता रहे ना कि हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। मैं रोज आता हूँ कि नहीं? सही से बताया पांडे जी, बता बिल्कुल। देखिए मिलता है कि नहीं? अभी आपके 1:30 की बात कर लीजिएगा, अभी मुझे आप 1:30 हमारा विद्यालय 1:30 बंद होता है। कितने बजे सर खुलता? 7:30 है। कितने बजे? विद्यालय में नल नहीं है, पानी नहीं है बच्चों के लिए। मैं 3 बार कंप्लेन कर चुका हूँ। किससे कंप्लेन किया था सर? हमने हमारे पांडे जी सुनिए, आप हाइपर मत होइए, हम आपकी कोई दुश्मन नहीं है। आपकी कोई प्रॉब्लम है वही चीज हम भी दिखा रहे बाहर के लिए आए। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, आप अगर इसको मीडिया में आप कह रहे हैं कि हम मीडिया में देंगे, देखिए हम मीडिया से ही है, हम मीडिया में ही देने के लिए आए ही। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रखने के लिए आप बात सुन लीजिए। जैसे आप 8:25 पे यहाँ एंट्री हुई है आपकी, जी जी ठीक है, आपसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप हाइपर मत होइए, आप सपोर्ट कीजिए जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इस कॉलेज से प्रॉब्लम है, जैसे आप ये बता रहे हैं कि हमारा नलका टूटा हुआ है, हमने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। आप ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ राशन नहीं है, अगर सपोज कीजिए उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको बताइए, हम उसको रखेंगे। आपके BSA साहब से भी हम बात करेंगे इस चीज पे। अगर जो भी पांडे जी जी हम कह रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम है ना जी, वो बताएंगे हम। प्रॉब्लम के लिए ही तो दिखाने के लिए तो आए हैं यहाँ पे, हमारी आपके कोई प्रश्न दुश्मनी है? नहीं नहीं, हमारी आपसे इससे पहले कोई बातचीत है? आप बिना ये जाने कि आखिर किसी शिक्षक को 10-15 मिनट आधे घंटे लेट क्यों हुआ, आप बिना ये समझे आप सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। सवाल आप आ रहे हैं विद्यालय में नल नहीं ठीक है, आप वार्सल मुझी को लेना है, उसका सामान मुझी को लेना है। आप इतनी गर्मी है, इतना धूप है, बच्चे पानी कहाँ पीने जाएंगे? बेटो 2 दिन से आप लोग पानी, इधर कैमरा कीजिए, आप दिखाइए दिखाइए उनको भी दिखाइए। 2 दिन से पानी पीने आप कहाँ जा रहे हैं मेरे बच्चों? स्कूल के बाहर जा रहे हैं। मैं नल ठीक करवाने के लिए अगर 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हो गया तो आप नल सही करवा रहे हैं? नहीं नल सही, मैं नल सही कर सकता हूँ। आप ही बता रहे हैं कि हमने इस नल सही करवाने के लिए ही लेट हो गए। हाँ बिल्कुल अब बता रहे हैं। अभी आपकी जो आपके साथ सुनो सुनिए पांडे जी,
एक किसी एक लड़ी में वो आप बनाए जिसको आप बहुत पूरी तरीके से मैं डेढ़ बजे के बाद ये सब करूंगा। मैं तो अभी चेक होगी आपके सामने जैसे आप बता रहे हो। बच्चों को रोक लूंगा, मैं बच्चों को रोक लूंगा, आप डेढ़ बजे के बाद कैमरा ऑन करके आप बच्चों के। अभी मैं जो हमारा सिलेबस है जो हमको सरकार सिलेबस आप बता दीजिए कौन सा आप पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए आप हमको बता दीजिए कौन सा चीज पढ़ाने जा रहे हैं आप। मैं किताब निकाली वर्ड बुक। चलिए आप तो कहिए ना, आप सामने जाइए। लाइए इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे बैठे हो? बैठे जी जी। कौन कौन से क्लास के बच्चे बैठे? मैं आपको बताने के लिए बात कर रही हूँ, आप जरा बोले आइए पहले। बेटा इंटरेक्ट करने आ रहा जब बात से लड़ने आ। पांडे जी आप बातें नहीं, आप हमसे बात करना नहीं चाह रहे। नहीं नहीं हम आपसे स्कूल टाइम के बाद बात करना चाहते हैं। स्कूल टाइम पे ही तो बात करें, उसके बाद कौन सा बात करेंगे? टाइम के बाद डेढ़ बजे के बाद। क्या जी? डेढ़ बजे के बाद। सर आप पढ़ाने जा रहे हैं लोगों को जी, रियलिटी हम इसीलिए तो चेक कर रहे हैं आपके सामने ही। जैसे आप ये बता रहे हैं हमको कि हमारे बच्चे बहुत ही परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसके लिए कुछ तो बताए। देखिए सारे लड़कों की एग्जामिनेशन खत्म हो गई है, नेक्स्ट गए होंगे क्लास में। सर सुनिए, गए ना सर? आप सर पढ़ा रहे हैं, आप यहां से हाँ। अरे मैम सुनिए, हम यहाँ केवल वीडियो बनाने नहीं आए, हम रियलिटी सुनिए ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने आए हैं कि आपके लड़के वाकई में उस लायक है। आप उस लायक को बना भी रहे हैं बच्चे कहाँ पूछिएगा ना, डेढ़ बजे के बाद इन बच्चों से। सर आपके सामने तो पूछने जा रहे हैं, डेढ़ बजे हम रहेंगे, लंच में पूछ लीजिएगा। आप बार बार एक शब्द कह रहे हैं कि हम पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हो गए आज हम ये पूरा आपके स्कूल का ना ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करके जाएंगे। आपको प्रॉब्लम हो रही है पांडे जी? नहीं, हमको पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है मुझे। अब इतनी टाइम में मैं कुछ बच्चों को बता चुका होता अब तक बता। क्या देखिए वाकई में आपके अंदर ये जो टीचर की भावना ना साफ झलक रही है, वो झलक आपकी दिखनी भी चाहिए, लड़कों पे भी दिखनी चाहिए ना सर। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेढ़ बजे के बाद आपने मतलब आप अभी नहीं बताएंगे कुछ या बोलना नहीं चाहते? नहीं मैं डेढ़ बजे के बाद बोलना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं बोलूँगा। मैं अपने बच्चों के साथ एक बार आप नाम बताएंगे? विनय कुमार पांडे, ग्राम राउदिला, पूछ चिताही, जनपद सिद्धार्थ नगर। मैं यहाँ परसा काल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जिलाधिकारी कार्यालय बस्ती है। अब आप मुझे पढ़ाने पढ़ाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने दे। आप हमसे हाथ जोड़िए, अच्छा नहीं लग रहा बच्चों। आपसे अभी बात करेंगे फिर से वापिस। ठीक थैंक यू। कुछ रियलिटी दिखाएं। देखिए आपको हम 7:30 बजे फिर आएंगे जी, फिर आपसे चेक करेंगे कि आप यहाँ आते हैं टाइम से कि नहीं जी। आपके जितने लड़के आप जैसे बता रहे हैं कि हम लड़कों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, दिखाइए इनको कैमरामैन से कहेंगे हम तो दिखाएं थोड़ा सा कि तीसरा चौथा और पांचवा क्लास यहाँ पे इस कैंपस में चल रहा है आपके इस रूम में, जिसमें आपके 2, 4, 6, 8, 3, 11 ग्यारह बच्चे आए हुए हैं। अपनी किताब निकालो, तीसरे चौथे और पांचवे पर क्या पढ़ रहे थे और ये बता रहे हैं कि हम मतलब ग्राउंड जीरो पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। पांडे जी से जरूर एक बार बात करेंगे फिर से आके इनसे, कर क्या रहे या पढ़ा क्या रहे या ये लोग पढ़ क्या रहे लड़के। बिल्कुल चलिए और भी चीज को दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ये यहाँ की जो व्यवस्था है देखिए, ये आंगनबाड़ी का केंद्र है यहाँ का परसा काल का, जो अभी भी यहाँ पे ताला लटक रहा है या कोई है नहीं अभी, और यहाँ सारा ये अभी ताला लगा ही हुआ है, कुछ दरवाजे हैं वो भी टूटे ही हुए हैं, खराब पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, और जवाबदेही तय यहाँ पे कोई करना भी नहीं चाह रहा है। और हम कोशिश ये करेंगे कि ये ऊपर तक बात जाए और मुख्यमंत्री शिक्षा अधिकारी महोदय या शिक्षा मंत्री जी जरूर देखें अपनी रियलिटी, जो इतने पैसे लाखों लाख रुपए इस संस्था पे खर्चा हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का,
पैसे का कोई सदुपयोग भी हो कोशिश यही करेंगे। मैं अमरमणि मिश्रा, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, कैमरामैन विकास के साथ।